मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक घटना है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में चल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भयानक तरीके से जो अंग्रेजी सरकार के नाक में दम किए हुए हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में चल रहा है सीडीएम जो 1930 में शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ। तो गांधी जी के द्वारा जब शुरू कर दिया गया, और उसी के पैरेलल में एक तरफ क्या हो रहा है कि साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, और साइमन कमीशन के रिपोर्ट को भारतीयों ने मानने से मना कर दिया। ये 1930 में अपना रिपोर्ट सबमिट किए थे, तो इनके रिपोर्ट को भारतीयों ने मानने से मना कर दिया। तो भारतीयों को मनाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि भारतीयों को बुलाओ, कॉल करो इंडियंस को, और हम लोग इंग्लैंड में लंदन में बैठकर करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और आप भी आइए, चारों तरफ आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं, साइमन कमीशन के रिपोर्ट को रखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। दैट इज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मीनिंग। तो ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। अब पहला है, क्यों पहला है? क्योंकि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसलिए दूसरी बार बुलाना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा हुआ ये भी समझेंगे हम लोग। सबसे पहले समझो कि ये स्टार्ट कब हुआ। ये स्टार्ट का डेटिंग जो डेट है वो है 12 नवंबर 1930 से ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है, और ये चलता रहेगा 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, तो ये टाइम आपका है कॉन्फ्रेंस का। एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है, अगर हम प्लेस की बात करें तो ये हो रहा है सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। ठीक है, जो जेम्स महोदय का घर है, आवास है, महल है, वहां होगा ये बैठक। इसको कौन करेंगे? तो जॉर्ज पंचम जो है, जॉर्ज फाइव जो रहेंगे, वो इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री उस समय कौन है? उस समय प्रधानमंत्री है मैकडोनल्ड, रैमजे मैकडोनल्ड उस समय के प्रधानमंत्री हैं। तुमको बताए थे कि पिछले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने साइमन कमीशन की तय किया था। अब दूसरे जो हैं ये है मैकडोनल्ड आ चुके हैं, इन्होंने कॉल कर दिया प्रधानमंत्री ये भाग लेंगे। टोटल कितना डेलीगेशन यहाँ पर रहेगा, बैठेगा, जो बात करेगा? टोटल डेलीगेशन है यहाँ पर 89। ठीक है, भारत से कौन कौन पहुंचे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्टी हिंदू महासभा, ये पहुंचेगी। ठीक है, हिंदू महासभा वहां पहुंची है, जिसके तरफ से कौन गए? तो वहां से गए जयकर और बीएस मुंजे। जयकर गए और बीएस मुंजे गए। ठीक है, नाम चलो देख लेना बाद में, पार्टी देख लेते हैं कौन कौन है। हिंदू महासभा उदारवादी और लिबरल के तरफ से जाएंगे। लिबरल पार्टी याद होगा तुमको बना था, तो कौन जाएंगे? तो वहां पर जाएंगे जो तेज बहादुर सप्रू हैं वो जाएंगे, और जाएंगे चिंतामणि, CY चिंतामणि, ये जाएंगे लिबरल पार्टी की तरफ से। तीसरा हो गया मुस्लिमों की तरफ से, मुस्लिम की तरफ से यानी मुस्लिम लीग की तरफ से कौन जा रहे हैं? तो वो जा रहे हैं आगा खान, जो मुस्लिम लीग बनाए थे वो खुद गए, मोहम्मद शफी गए, मोहम्मद अली जिन्ना गए, और फजूल हक गए। ये गए मुस्लिम लीग की तरफ से। उसके बाद सिख के तरफ से भी लोग गए। ठीक है, पंजाबियों की तरफ से भी, सिखों की तरफ से भी गए। वो गए सरदार संपूर्ण सिंह। पांचवा एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन के तरफ से भी लोग गए। वो गए कौन एंग्लो इंडियन में? केटी पाल गए। ठीक है, उसके बाद जो आपका हरिजन समाज था, जो लोअर क्लास था, उसके तरफ से जाते हैं अंबेडकर जी। ठीक है, यहां से जाएंगे अंबेडकर जी। उसके बाद देसी रियासत, जो मेरे प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो था, उस स्टेट के जो राजा महाराजा थे वो भी वहां पहुंचते हैं। टोटल 16 राजा वहां पहुंचते हैं। इस प्रकार से इंडियंस वहां पहुंचे। कहां पहुंचे? राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इस प्रकार से ये लोग पहुंचे। और उधर से कौन उद्घाटन करेगा? उद्घाटन करेंगे आपके जेम्स फॉय जो है वो उद्घाटन करेंगे, और मैकडोनल्ड जो है वो सरकार की तरफ से बैठेंगे। इस प्रकार से इतना लोग बैठे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है, बातें शुरू होती है कि क्या करना है, किस बारे में करना है, ये बातें शुरू होती है। तो सबका डिमांड अपना अपना था, क्योंकि जितने लोग पहुंचे थे उनको, वो सब अलग अलग लोग थे। तो उसमें सबसे बड़ा जो डिमांड आता है वो आता है प्रिंसली स्टेट के तरफ से। ठीक है, प्रिंसली स्टेट के जो राजा रहते हैं वो डिमांड, जो उनका डिमांड आश्चर्यजनक होने लगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये बोल दिए कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाइए और हम लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक है, क्यों
क्यों ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या क्यों इनके बातों पर आश्चर्यचकित होना चाहिए, क्योंकि जब 1935 का अधिनियम आएगा, जो इसी का इस जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट होगा वही कन्वर्ट होगा 1935 के एक्ट में, तो जब ये कन्वर्ट होगा ना तो तुम देखोगे कि जब वहां पर सरकार ने कहा कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनना चाहिए तो वहां पर यही राजा महाराजा मना कर देंगे कि नहीं हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहां पर आश्चर्यचकित लोग हो गया कि उनके द्वारा ही ये डिमांड कर दिया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाओ। दूसरा, मुस्लिमों के द्वारा क्या डिमांड किया गया, तो ऑब्वियस बात है मुस्लिम के द्वारा क्या डिमांड किया गया, सेपरेट इलेक्ट्रोड को बढ़ाओ, जो हमको आप दिए हुए हो सेपरेट इलेक्ट्रोड वाला झुंझुना इसको और आगे बढ़ाया जाए। उसी प्रकार से अंबेडकर जी जो थे, ठीक है, अंबेडकर जी जो थे वो दलितों के लिए डिमांड कर दिए सेपरेट इलेक्ट्रोड का, कि सेपरेट इलेक्ट्रोड जो मुसलमानों को मिल सकता है तो हम लोगों को भी जो SC समुदाय है इसको भी सेपरेट इलेक्ट्रोड की सुविधा उपलब्ध कराइए, ये इनका डिमांड था। और जो उपस्थित जितने लोग थे उनके बीच में कोई एकता थी नहीं, ठीक है, कोई इस बात का बात नहीं कर रहा था कि भारत को क्या चाहिए, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। वहीं अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या प्रपोजल दिया गया, अगर हम बात करें ब्रिटेन के द्वारा क्या प्रपोजल दिया गया, तो ब्रिटेन सरकार सबसे पहले तो ऑल इंडिया फेडरेशन पर बात मानी कि हाँ हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, क्योंकि ये जब बोल रही है तो इसने बनाने की कोशिश भी की थी, ठीक है। उसके बाद बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, अगला जो लाइन इन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। और जो था, जो हम डायरकी की बात कर रहे हैं जो 1919 में आया था, उसने कहा था कि डायरकी को हम प्रोविनेंसेस से खत्म कर देंगे, लेकिन इसको हम उठा के लेके कहाँ चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, प्रोविनेंसेस में हम लोग ला देंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और वहीं पर डायरकी को हम लोग उठा के ले आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये बातें किसने कही, अंग्रेजों ने कही, ठीक है। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति जो भारत में बैठी हुई थी उसने जनवरी में 1931 में कांग्रेस की कार्यकारिणी CWC की बैठक होती है, और कांग्रेस की बैठक यहाँ भारत में होती है, और कांग्रेस की बैठक में ये तय होता है कि आप जो गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता का, भारतीय जो लोग हैं जो इंडिया के पीपल हैं उनका वहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, हिंदू महासभा की तरफ से गया, बोला कि जो लोग जो जनता के रूप जनता में जो पॉपुलर है जो जनता के लिए लड़ रही है उसको तो आप बुलाए नहीं, अब वो तो आया नहीं, तो कैसे आप मान सकते हैं कि भारत का वहां पर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये यहीं पर समझ में आ गया, इस पर कहा भी गया कि भारत के लोग तो उपस्थित हुए, भारत के प्रतिनिधि तो उपस्थित हुए, किंतु भारत माता वहां उपस्थित नहीं हुई, डेट वॉज द रीजन। तो ये समझ में आ गया सभी को कि ये बैठक का कोई मीनिंग होगा नहीं जब तक कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो होगा क्या कि कांग्रेस को मनाने की कोशिश होगी। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे, जहां में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि दो व्यक्ति, जो व्यक्ति थे, एक थे तेज बहादुर सप्रू जी जो लिबरल नेता थे, और एक थे जयकर जो हिंदू महासभा की तरफ से गए थे। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो अंग्रेजों को आश्वासन दिए कि चलो गांधी जी को मनाओ आप लोग, हम लोग आपको सहयोग करेंगे और हम लोग गांधी जी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों के प्रयासों से ही गांधी जी आगे मानेंगे भी। तो इसको मनाने के लिए होगा क्या, इसको मनाने के लिए सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा, मेरा जो अगला लेसन भी है वो है गांधी इरविन पैक्ट।